से है प्राशर लेक का रास्ता, थोड़ा सा ही ट्रैक है बस, पहुंच ही गए, थोड़ा सा ही दूर है, यहाँ से चलेंगे। लेट्स गो। पंडित जी विस्तार से बताइए कुछ ये प्राशर लेक के बारे में, कब बना, कैसे बना। अपनी भाषा में बोलते हैं इसको हम टाला, है वो किस्ती। इधर उधर हिलती रहती है, चलती रहती है, कभी दिन के चार चक्कर भी लगते हैं, पांच भी लगते हैं, कभी सालों में एक चक्कर भी नहीं लगता है, अपना मूड है इनका। कभी चार चार साल भी नहीं घूमेगा, एक जगह पे बैठेगा, कभी दिन के चार पांच चक्कर भी लगते रहेंगे इसके, पानी भी उतना ही पवित्र है। Thank you.
इसके अंदर कोई नहीं जाता ना, कोई नहीं जाता है, कैसे जाए। और गहरा बहुत ज़्यादा है। राजा विजय सेन ने इसको नापा भी था रस्सी के साथ, यानी कि 300 फुट रस्सियाँ डाली थी, लेकिन वो रस्सी नहीं लगी नीचे। ये रोटी घूमता रहता है तो फिर राजा ने प्रभु से क्षमा भी मांग ली। मंदिर किस लिए बनाने, जैसे इंसान के लिए हम किसके दर्शन करें? ये जगह शास्त्र लाइन से भी जुड़ी हुई है। जैसे पराशर ऋषि ने गंगा पार जाना था ना, तो मत्स्यगंधा गंगा के किनारे नाव लेके खड़ी थी, तो पराशर ऋषि बोलता कि मैंने गंगा पार जाना है। तो बोलता ठीक है ऋषि जी, मैं गंगा पार कर लेती हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो जब बीच नदी में पहुँचते तो पराशर ऋषि उनका हाथ पकड़ लेते हैं
मत्स्यगंधा बोलती है कि नहीं ऋषि, मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मुझे मछली की मुश्किल है। पराशर ऋषि ने तथास्तु कर दी, बहुत अच्छी स्मेल आई, हाँ कई कोस दूर जाएगी वो स्मेल। तो पराशर ऋषि ने उनका नाम सत्यावती रखा। तो बोलते मैंने तुझे वेद व्यास नाम का बेटा दे दिया, अत्यंत विद्वान होगा। तो बोलती ठीक है ऋषि जी, कोई बात नहीं, तो आज के बाद सत्यावती नाम रहेगा। सत्यावती बोलती है पराशर ऋषि को कि ऐसी ही झील में आपका निवास हो। ऐसी ही किस्ती उस झील में झूलती रहनी चाहिए, ऐसा ही पवित्र पानी रहना चाहिए कलयुग के अंत तक। तो तब ऋषि जी जब संसार में उतरे, कलयुग आ गया तो पूरे संसार में इन्होंने चक्कर लगा लिया। तो कोई ऐसी जगह नहीं मिली कि जो सत्यावती का इनको वरदान मिला हुआ था कि वो झील कहाँ बने और एकांत जगह कहाँ रहे। तो तब पहुँचते भागते दौड़ते दौड़ते फिर इस जगह पे पहुँच गए। इधर फिर जैसे गुर के गज होते हैं उनके साथ एक गज मार दिया तो वहाँ पानी निकल गया और झील बन गई। Thank you.
वापसी आते हुए हमारी मैडम को काफ़ी थकान हो गई है, ये देखिए। देखो रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है।